नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन, वहीं विदेशी बाजार से संकेत जो है काफी कमजोरी के आते हुए, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से चिंताएं जो हैं उसे बढ़ा दिया है। अमेरिका में रोजाना हम देख रहे हैं मामलों में काफी बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार गिरते दिखे, डाव करीब 350 अंक नीचे बंद हुआ, नेस्डेक में भी 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार की शुरुआत भी सुस्त आप देखेंगे। एसडीएक्स निफ्टी को सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर 12900 के इर्द गिर्द करीब 100 अंकों की बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स में सपाट कामकाज है। हांगकांग के बाजार में भी 88 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। साथ ही जापान के बाजार निक्केई में भी गिरावट ही हावी होते हुए दिख रही है। विस्तार से समझ लेते हैं कोरोना से जुड़ी चिंताएं क्या हैं जो कि बढ़ती हुई दिखी हैं, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी समझ लेंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार में ये क्या हो रहा है, साथ ही कोरोना के आंकड़े कितना परेशान कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, कोरोना की चिंता तो है ही, और हम देख भी रहे हैं कि रोज मामलों में तो वैसे ग्लोबली काफ़ी तेज़ बढ़त हो रही है। यूएस में भी दिन के 1.5 लाख से ज़्यादा नए मामले आए हैं। कल हमने देखा कि यूएस में अब मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के ऊपर चली गई है, तो उससे थोड़ी चिंता ज़रूर है और उसका थोड़ा आपने रिएक्शन भी देखा। पर जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, बाजार अब अगला ट्रिगर ढूंढ रहे हैं क्योंकि सारी पॉजिटिव खबरें इस समय प्राइस इन दिख रही हैं, तो थोड़ा बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपने गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि कल दिन के निचले स्तर पर बंद हुए, पर उसके बाद डाउ फ्यूचर्स इस समय सपाट हैं। एशिया के बाजार हल्की सी कमजोरी आपको दिखा रहे हैं। फाइजर ने अपने कोरोना वैक्सीन का फाइनल डेटा जारी करा है और ये कह रहे हैं कि अब तो वैक्सीन जो फाइनल डेटा में निकल कर आ रहा है वो तो 95% प्रभावी है वैक्सीन, और ये कह रहे हैं कि ये जल्द ही एप्लीकेशन डालेंगे इस वैक्सीन के इस्तेमाल की। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन तैयार होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वैसे अगर आप देखें तो डाउ 350 अंक कल फिसला है और दो दिनों में लगभग 500 अंकों की गिरावट हो गई है। दिन के निचले स्तर पर भी हमने क्लोजिंग देखी, बट ज्यादातर अमेरिकी बाजार के सेशन में कल फ्लैट ही ट्रेड रहा। आखिरी 1-1.5 घंटे में ही बिकवाली आई जिसकी वजह से बाजार फिसले हैं। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में गिरावट थी, पर कुछ रिटेल स्टॉक्स में हमने खरीदारी आते हुए देखी। वर्क फ्रॉम होम स्टॉक्स पर वापस थोड़ी सी खरीदारी आते हुए देखी, क्योंकि ये जो कोरोना के बढ़ते मामलों की हम बात कर रहे थे वहां से अब चिंताएं ये हैं कि शायद कुछ नए प्रतिबंध ना लग जाए। न्यूयॉर्क में ऑलरेडी कुछ प्रतिबंध लगे हैं, कुछ और प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं, और साथ ही स्कूल्स अब न्यूयॉर्क में बंद कर दिए गए हैं कोरोना के फैलने की चिंता से। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज कुछ अहम डेटा आने वाला है, तो वहां पर भी नजर रहेगी। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे, 7,10,000 का अनुमान है। साथ ही अक्टूबर महीने के मौजूदा घरों के बिक्री के आंकड़े आएंगे, तो वहां पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। यूरोप के बाजार, यहां पर तेजी दिखी, लगभग 0.5% की बढ़त यूरोप के बाजारों ने दिखाई। कच्चा तेल अभी भी तेजी दिखा रहा है, 11 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच चुका है कच्चा तेल। ब्रेंट $44.5 के पार है इस समय। साथ ही सोना और डॉलर, यहां पर हल्का सा हमने दबाव आते हुए देखा है। तो थोड़े कंसोलिडेशन, थोड़ा गिरावट आई है बाजारों में, बट ज्यादा चिंता की बात अभी तो नहीं दिख रही है। ओके दिवांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और विदेशी बाजार के संकेत समझाने के लिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये एक बार समझ लेते हैं। हमने देखा था कि अच्छी खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी और कायम रही ये खरीदारी भी। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 3,072 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में 2,264 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं 2,790 करोड़ के। तो डीआईएस कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन एफआईएस, कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही अच्छी खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज होने जा रही है, कहां कट सकती है एक्सपायरी एक बार जान लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। हमने ब्रोकर और जानकारों का पोल कराया है, आशीष से समझते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए ज्यादातर जानकार जो है वो तेजी का ही अनुमान लगा रहे हैं। कल देर रात जब हमने जानकारों से बात की तब संकेत भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और जिस प्रकार से डेटा फॉर्मेशन है निफ्टी पर, तो जानकारों का मानना है कि 13,000 का जो स्तर है इसके आसपास, यानी 13,000 से लेकर 13,050 के बीच में एक्सपायरी होने की पूरी संभावना है। 36% मान रहे की हल्की गिरावट के साथ, मतलब जो कल की क्लोजिंग है 12,950 इसके आसपास से आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। फ्लैटिश एक्सपायरी हो सकती है। केवल 11% बाजार में ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि मौजूदा स्तर से आपको हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 12,900 तक जो है निफ्टी फिसल सकता है। वहीं अगर निफ्टी बैंक में देखें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। 30,000 से लेकर 30,200 करीब 48% जानकारों का भरोसा है। करीब 40% मान रहे हैं कि 29,700 से लेकर 30,000, और केवल 13% बाजार में जानकार ऐसे हैं जो हल्की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 29,400 तक जो है निफ्टी बैंक फिसल सकता है। आम राय को देखें, अधिकतर देखें तो ज्यादातर जानकार जो है मानसी वो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये हमें बताने के लिए। जानकारों का वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या नजरिया है, लेकिन चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में कोरोना की चिंताएं हावी होती हुई दिख रही है, इसे कैसे समझा जाए और भारतीय बाजार के लिए फिर आज रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। हाँ, ये जरूर है कि आज थोड़ा बाजारों का रिएक्शन कोरोना पर आता हुआ दिखा है। वैसे कोरोना की चिंताएं अचानक से आज नहीं आई है, लेकिन वही है कि बाजार कब और कितना रिएक्शन देते हैं उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली एक अच्छी तेजी के बाद बाजारों को जो करेक्शन के लिए ट्रिगर की जरूरत थी वो उन्होंने कोरोना से लिया है। तो एक इसे सिंपल प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है। क्या वाकई में ये करेक्शन गहरा होगा या फिर बाजार लगभग टॉप के आसपास है, ये कहने के लिए जल्दबाजी होगी, क्योंकि लिक्विडिटी और फंड्स तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ग्लोबल मार्केट्स में भी और हमारे यहाँ भी। लेकिन इंसिडेंटली चाहे आप अमेरिका में और यूरोप में देखें, चाहे इंडिया में भी आप दिल्ली में देखें, फिर से कोरोना के मामले थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बाजारों का उन पर रिएक्शन आ रहा है। तो थोड़ा सा हमें संभल कर देखना होगा। दूसरी बात ये भी कि आज चूंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है और कुछ हद तक बाजारों में अच्छी खासी तेजी की पोजीशन भी बनी हुई, तो पोजीशन ज्यादा है दोनों ही तरफ, तेजी की भी है मंदी की भी है, तो थोड़े वोलेटाइल ट्रेड हो सकता है। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से संकेत लेंगे शुरुआत करने के लिए, उसके बाद हम हमारे संकेतों के दम पर सपोर्ट लेंगे, रिकवरी करेंगे, वहां से भी बिकवाली आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड आज देखने को मिल सकते, तो उस लिहाज से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, एक वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, फिर आज की रणनीति क्या होगी, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे? जितना ज्यादा गैप से खुले उतना बढ़िया है। 100, 125, 150 पॉइंट नीचे खुलेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर तुरंत खरीदारी करने के मौके होंगे। उसकी वजह यह है मानसी की थोड़ी तो शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी और थोड़ी फ्रेश खरीदारी भी। अभी भी देखिए एफआईआई की तरफ से खरीदारी के आंकड़े अच्छे ही नजर आ रहे हैं, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। कल भी 3,000 करोड़ से ज्यादा की कैश में खरीदारी की है, तो नंबर तगड़े हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएटली 12,750, 12,825 ये निफ्टी पर बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। इस पर फोकस कीजिए, इस रेंज में आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 12,975, 13,050 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और हल्की बिकवाली आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो सपोर्ट रेंज है वो बहुत दूर है, 29,050 से लेकर 29,250 वहां जाकर सपोर्ट आपको मिल रहा है। उससे पहले एक हल्का सपोर्ट 29,500 के आसपास है, वहां पर शायद आप खुलेंगे और उसके बाद सीधा सपोर्ट आपको इस रेंज में मिलता है 29,050, 29,250। ऊपरी स्तरों पर 30,150, 30,300 अगर 30,000 को पार किया तो हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ब्रॉडली आपके लिए पहले रेंज 29,500 से 30,000 की रहेगी और अगर इसे पार किया तो फिर 150-200 पॉइंट का मूव दोनों तरफ आने की संभावना आपके लिए बन सकती है। जी मानसी, बिल्कुल। अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और रणनीति हमें समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए पहली रणनीति और लेवल्स हमने बताए हैं, 12,750 से 12,825 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, 12,975 से 13,050 के दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं, 29,050 से 29,250 बैंक निफ्टी के लिए ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, वहीं 29,500 से 30,000 की एक रेंज होगी जिसे आपको ध्यान में रखना है, इसे अगर पार करते हैं तो फिर 30,150 से 30,300 तक के दायरे को भी आप देख सकते हैं ऊपरी रेंज के तौर पर। चलिए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु बताएं। खबरों वाले शेयर्स अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको आज के ट्रिगर्स बता देता हूं। मॉनेटरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। 10,000 करोड़ का स्पेशल ओएमओ आज आरबीआई करेगा, वहां पर हमारी नजर रहेगी। आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना की आज अंतिम तारीख है और साथ ही डॉक्टर लाल पाथलैब 6 रुपये पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड की आज रिकॉर्ड डेट है। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर नजर रखनी चाहिए, कंपनी का बयान है कि इस त्योहारी सीजन में 32 दिन का इस त्योहारी सीजन में उन्होंने 14 लाख की यूनिट्स की बिक्री की है। ये अगर आप 2019 के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो 2% गिरावट है अगर आप फेस्टिव सीजन टू फेस्टिव सीजन का कंपैरिजन करते हैं, पर कंपनी का कहना है कि मार्केट शेयर अक्टूबर महीने में तकरीबन 5% से बढ़ा है और साथ ही डीलरशिप के पास जो इन्वेंट्री है वो काफी कम लेवल पर है, 4 हफ्तों से कम की। TCS विप्रो दोनों ही फोकस में रहेंगे। TCS ने 28 नवंबर बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की है, बायबैक इनका 16,000 करोड़ रुपए का है, 3,000 रुपए पर शेयर पर आएगा, और विप्रो ने अपनी जो बायबैक की डेट है वो 11 दिसंबर की तय की है, इनका बायबैक 9,500 करोड़ का है और प्राइस 400 रुपए पर शेयर का है।
वेदांता खबरों के मुताबिक डीलिस्टिंग फेल होने के बाद अब कंपनी शायद ओपन ऑफर ला सकती है। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर आपका डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो जाता है तो आपके पास ओपन ऑफर लाने की अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी खबरें आ रही है कि कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ये डिस्कस कर रही है। M&M यहां पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनी अगले 5 से 7 सालों में अपनी 10 और ग्रुप कंपनीज को लिस्ट कर सकती है। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका अच्छा कैश रेवेन्यू है और ग्रुप की ग्रोथ में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, साथ ही कुछ घाटे में चल रही कंपनीज को वो बंद भी करने की योजना बना रहे हैं। एविएशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। मंथली डेटा आया है अक्टूबर महीने का, जहां पर हमने देखा है कि सालाना तौर पर तो जो पैसेंजर ट्रैफिक है वहां पर 57% की गिरावट है, पर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो 34% की बढ़त आती हुई दिखी है। साथ ही पैसेंजर लोड फैक्टर इंडिगो स्पाइसजेट दोनों में ही हमने बढ़ते हुए देखा है, और स्पाइसजेट का मार्केट शेयर चेंज नहीं हुआ है, इंडिगो के स्पाइस मार्केट शेयर में 1% की गिरावट आई है। पर स्पाइसजेट पर एक और फोकस रहेगा, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो पिछले 20 महीने से बैन है सभी देशों में, अब US की FAA जो उनकी एविएशन अथॉरिटी है उसने बैन हटा दिया गया है, तो अनुमान है कि बाकी देश भी अब ये बैन हटा देंगे। स्पाइसजेट की फ्लीट में फिलहाल 13 737 मैक्स एयरक्राफ्ट हैं जो कि ग्राउंडेड थे। इसके अगर आप देखें तो टाटा स्टील अपने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिजनेस में थोड़ी हिस्सेदारी कम करेगी, और ये मिनिमम शेयर होल्डिंग मीट करने के लिए इनका प्लान है, तो शेयर होल्डिंग 75% लाने के लिए वो 4.51 लाख शेयर्स की बिकवाली कर सकते हैं। तीन ट्रेडिंग कॉल्स है, तीनों खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। PNB पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की जा सकती है। 34 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 29 का स्टॉप लॉस लगाइए। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है बंधन बैंक में खरीदारी के मौके बनते दिख सकते हैं। 380 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा, 351 का स्टॉप लॉस लगाएगा। साथ ही बाटा इंडिया में भी खरीदारी की जा सकती है, 1480 के लक्ष्य को मानकर चले 1405 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर से हमने बातचीत की, इनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। इंफ्राटेल और साथ ही HUL दोनों पर उन्होंने कॉल्स दी है। भारतीय इंफ्राटेल पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 190 के लेवल्स पर अगर ये मिले तो खरीदारी कीजिएगा। 195 पहला टारगेट, उसके बाद 197 तक ये जाता दिख सकता है, 187 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। HUL में बिकवाली की राय है, 2140 के लेवल्स पर बिकवाली करने की रणनीति अपना सकते हैं। 2105 का पहला लक्ष्य, 2085 तक ये जाता दिख सकता है, दूसरा लक्ष्य 2085 का मानकर चलें, 2164 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिकवाली कीजिएगा HUL पर। तो भारतीय इंफ्राटेल पर खरीदारी की राय, वहीं HUL पर बिकवाली की राय आशीष जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इसके अलावा कमोडिटी बाजार पर अपडेट के लिए हमने एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता से बातचीत की, उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। बुलियन मार्केट की अगर बात करें, सोने चांदी की चाल जैसे कि आप जानते हैं काफी उतार चढ़ाव के बीच यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है, जिसके चलते सोने चांदी में हमने देखा है कि गिरावट अभी देखने को मिली है 13,000 से। आपको बता दें कच्चा तेल भी गिरता हुआ दिखा, सोने चांदी में भी एक लेवल बेस कारोबार देखने को मिला। बिकवाली गोल्ड में की जा सकती है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 50,500 पर बिकवाली कीजिएगा, 49,800 के टारगेट को मानकर चले, 50,800 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए बिकवाली की रणनीति अपनाई जा सकती है, 3050 के लक्ष्य को यहाँ पर मानकर चले, 3210 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 3150 के लेवल्स पर बिकवाली की जा सकती है। USD INR पेयर करेंसी की अगर बात करें, यहाँ पर भी बिकवाली की रणनीति है, टारगेट 74.10 रुपये का मानकर चले, 74.70 रुपये का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो गोल्ड क्रूड और करेंसी के पेयर में बिकवाली की रणनीति कमोडिटी बाजार के अपडेट के तौर पर। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।